नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कैसा रहेगा देश और प्रदेश में मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में जहां आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहीं देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश हो रही है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। इधर दिल्ली, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम फिर करवट ले रहा है। दिल्ली में आज सुबह तेज हवा चली और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने या बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। आज बिहार और झारखंड में भी हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई हिस्सों में बीते दिन हुई बारिश के कारण राजधानी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में भी आज गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में रहेगा, जहां बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पर्वतीय राज्यों से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ समेत कई शहरों में भी तापमान करवट लेगा। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो यहां भी आज पारा गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं उत्तराखंड की ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि अब बर्फबारी रुक गई है, मगर आने वाले दिनों में मौसम फिर एक बार करवट बदल सकता है। तो मौसम की इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।